करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर दारुल उलूम देवबंद बंद नहीं होता तो आतंकवाद के खिलाफ जो जंग है ना, ये केवल नाम मात्र की है, फिर आतंकवाद के खिलाफ कोई जंग नहीं है। आप हिंदुओं की इतनी चिंता करते हो, सरकार क्यों नहीं कर रही? जब ये सरकार से पूछा जाना चाहिए। मैं हिंदुओं की इसलिए चिंता करता हूँ क्योंकि मैं हिंदुओं का दिया हुआ खाता हूँ, हिंदुओं का दिया हुआ पहनता हूँ, हिंदुओं का ये माला हिंदू लाया मेरे लिए, गाड़ी जिसमें चलता हूँ वो हिंदुओं ने दी है, उसमें डीजल पेट्रोल हिंदू भरवाते हैं। तो भाई मैं क्या कुत्तों से भी बुरा हूँ? कुत्ता भी जिसकी दी हुई रोटी खाता उसका वफादार होता, वर्मा जी होता कि नहीं होता? मैं गली का जो आवारा कुत्ता होता है वो भी उसका वफादार होता है जिसकी दी हुई रोटी खाता है। मैं हिंदू समाज की दी हुई रोटी खाता हूँ, हिंदू समाज का ऋणी हूँ। तो भैया मेरा काम है हिंदुओं के लिए लड़ना, हिंदुओं की आवाज उठाना, और जहां जरूरत पड़े वहां जाकर मिट जाना। जहां मुसलमान गए पूरी दुनिया में यही हो रहा है, इसमें और प्रमाण की क्या जरूरत है? वो बता रहे हैं ना, पिछली साल उन्होंने घोषणा की थी कि हम पिछली साल का आपने 12 टाइम्स की पूरी रिपोर्ट आप देख लीजिए, बहुत सारे एक बार छिपा गए, पूरी घोषणा की थी उन्होंने कि हम 10 साल में 125 करोड़ लोगों की आर्मी तैयार करेंगे। और वो आर्मी किसके लिए तैयार करते हैं? दारुल उलूम देवबंद ने तालिबान की आर्मी क्यों तैयार की अफगानिस्तान में? उसे बर्बाद करने के लिए। आईएस को क्यों तैयार किया? इराक और सीरिया को बर्बाद करने के लिए। अलकायदा को क्यों तैयार किया? दुनिया को बर्बाद करने के लिए। जैसे मोहम्मद को क्यों तैयार किया? भारत को बर्बाद करने के लिए। तो ये लोग जो बर्बाद प्रस्ताव पर यदि कार्रवाई नहीं करी, मैं जो जनता से बात करूंगा, जनता करेगी मैं तो फिर क्या करूंगा? मैं तो बाबा जी आदमी हूं, लेकिन मैं जनता को बताऊंगा अगर ये सरकार इस काम को नहीं करती तो पूरी दुनिया के विनाश की जिम्मेदारी ये सरकार होगी। तभी सरकार का विरोध करेंगे? नहीं, विरोध क्या, विरोध तो हम हर चीज का करेंगे, फिर हर चीज का विरोध करेंगे। सरकार का क्यों हर चीज का विरोध करेंगे? फिर तो ग्रह युद्ध है भैया। अगर दारुल उलूम देवबंद बंद नहीं हुआ तो ये तालिबान बना के मानेंगे। तालिबान का अर्थ होता है इस्लाम के विद्यार्थी। तालिबान कोई ऐसी चीज नहीं है। अफगानिस्तान में देखो क्या करा है, अपनी बहन बेटियों की मंडी लगाई है वहां दोनों ने, वहां कोई और थोड़ी थी। तो इस्लाम ने जो 1400 साल से किया है उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई है तो वो दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद के संगठन, जिसमें सबसे बड़ा संगठन है अलकायदा, आईएसआईएस और तालिबान, और छोटे संगठन तो पता नहीं कितने हैं। नहीं, सरकार मदद कर रही है तो इसका अर्थ ये है कि सरकार हमारे विनाश को तैयार है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि सरकार मदद कर रही होगी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार उनकी मदद करती है किसी भी तरह से, एक भी जिहादी को अगर सरकार एक पैसा भी देती है तो वो देशद्रोह है और वो विरोध होना चाहिए। हम सबको विरोध करना चाहिए। सरकार तो हमारी है ना, सरकार किसी और की थोड़ी है, सरकार हमारी है। हमें अपनी भावनाएं सरकार तक पहुंचानी है, हम पहुंचा कर रहेंगे। एक भी पैसा, अब हिंदू कमाते हैं, टैक्स भरते हैं और खाने के लिए रोज दिन प्रतिदिन सुअरों की तरह बच्चे पैदा करे जा रहे हैं लोग, केवल इसलिए उनका यही तो उद्देश्य है कि एक दिन इस देश को बर्बाद करना है। तो यह प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। हमारे पैसे का हर हिंदू को आवाज उठानी चाहिए, अपने नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए कि हमारे पैसे में से हमारे टैक्स का एक भी पैसा इनको नहीं जाना चाहिए। और यदि सरकार इनको नहीं रोकती तो हिंदू समाज अपने आप ही नहीं रोके। गुरुजी क्या हो रहा है केंद्र की में, कुछ थोड़ा सा विस्तार? केंद्र की में जो है दारुल उलूम देवबंद जो है केंद्र की में केंद्र बना रहा है, और वो केंद्र जो है फौजी ट्रेनिंग देने के लिए बना रहा है, मुसलमानों के लड़कों को फौजी ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बनाने के लिए। क्योंकि मुसलमान जब भी हथियार उठाता है तो वो निर्दोष हिंदुओं को, यहूदियों को, या ईसाइयों को, या बौद्धों को, या सिखों को मारने के लिए उठाता है, बाद में आपस में लड़ने के लिए उठाते हैं। इस्लाम की किताब है कुरान, और कुरान ने केवल एक बात सिखाई है कि दुनिया में एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ना है। मोहम्मद उन्हें बता के गया कि जब तक कोई भी जिंदा है लड़ते रहो, बस पहले औरों को मारना है और उसके बाद इस्लाम के 73 फिरके हो जाएंगे, 73 फिरके फिर एक दूसरे को मारेंगे। तो ऐसी विचारधारा की भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया में कोई जगह ऐसी विचारधारा के लिए नहीं होनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद रख रहा है। आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि तालिबान जिसने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, आईएसआईएस जिसने इराक और सीरिया को बर्बाद किया, और अलकायदा जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, ये सब दारुल उलूम देवबंद की देन है।
ये सारे सारे संगठन, ये जितने भी आतंकवादी जिहादी संगठन है दुनिया के, ये दारुल उलूम देवबंद की देन है। मैं केंद्र सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, केंद्र की मोदी सरकार जल्दी से जल्दी दारुल उलूम को देवबंद को बंद करे और सारे मदरसों को बंद करे। यदि भारत सरकार इन मदरसों को बंद नहीं करती तो पूरी दुनिया के विनाश की जिम्मेदार भारत सरकार होगी। इन मदरसों को बंद करे बिना अब दुनिया में कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है, अब ये सारी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। जो इन्होंने अफगानिस्तान में कर दिया उसी को भारत में करने के लिए ये कैद की वाला केंद्र बनाया जा रहा है, और ऐसे हजारों केंद्र बन रहे हैं, एक केंद्र नहीं बन रहा है, हजारों केंद्र बन रहे हैं। तो मैं हर जगह जाकर हिंदू समाज से यही कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान का तालिबान, इराक सीरिया का ISIS और पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बना अलकायदा, इनका जो मदर इंस्टीट्यूट है वो है भारत का दारुल उलूम देवबंद। तो ये देवबंद जो है, जो इन्होंने पूरी दुनिया में गंदगी फैला दी, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, अरब को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया, अब ये भारत को बर्बाद करने की तैयारी को पूरी बांध चुके हैं। कैंट की गाँव में ये एक सेंटर बना रहे हैं स्काउट के नाम पर, जहाँ एक फौज तैयार करेंगे मुस्लिम जिहादियों की, आतंकवादियों की। तो मैं यहाँ के लोगों को ये समझाने आया हूँ कि अगर ऐसे केंद्र बने तो इनमें से हम में से कोई भी नहीं बचने वाला, फिर ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे हमारे कत्ल की। तो मैं लोगों को सावधान करने के लिए आया हूँ और केंद्र सरकार से इन सब के माध्यम से ये मांग करने आया हूँ कि दारुल उलूम देवबंद सहित जितने भी मदरसे इस देश में हैं उन मदरसों को ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये मदरसे केवल कुरान और हदीसें पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस जैसी किताब की इस धरती पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताबें केवल कत्लोगारत, लूटमार और बलात्कार सिखाती हैं, इसके सिवा इन किताबों की कोई देन नहीं है, तो इन किताबों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक।